उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो, और आज की इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है बच्चों की तरफ से कि सर जो बोर्ड्स के पेपर हैं ये किस बोर्ड में चेक होते हैं, लाहौर बोर्ड के कहाँ चेक होते हैं, फैसलाबाद के कहाँ चेक होते हैं, गुजरावाला के, पिंडी के, साहिवाल के, सरगोधा के, डीजी खान के, बहावलपुर के, यानी पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं इनके पेपर कहाँ चेक होते हैं, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है। तो आज इसका मैं आपको तफसील से जवाब देता हूँ ताकि किसी को किसी किस्म का कोई शक ना हो कि पेपर जो है वो कहाँ चेक होते हैं। उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है ताकि आप दोस्तों को मजीद लेटेस्ट वीडियोज और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं ना, ये 60% दूसरे बोर्ड्स में जाते हैं और 40% बोर्ड के अंदर ही चेक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद बोर्ड है तो उसके 60% पेपर जो हैं वो डिवाइड होके दूसरे बोर्ड्स में जाएंगे। फैसलाबाद के 60% पेपर इन्हीं कुछ लाहौर बोर्ड में जाएंगे, कुछ मुल्तान में जाएंगे, कुछ सरगोधा में जाएंगे, कुछ साहिवाल में, पिंडी में, इसी तरह। इसी तरह जो दूसरे बोर्ड हैं यानी फॉर एग्जाम्पल लाहौर बोर्ड है या मुल्तान बोर्ड है या पिंडी है, तो उनके 60% दूसरे बोर्ड में जाएंगे। यानी 40% पेपर जो है उस बोर्ड के अंदर ही सेंटरों पर चेक होते हैं और 60% जो पेपर हैं वो दूसरे बोर्ड के सेंटरों पर भेजे जाते हैं ताकि जो मार्किंग है वो इक्वल हो। मतलब के परसेंटेज के हिसाब से 60% जो बच्चे हैं उनके पेपर दूसरे बोर्ड्स को भेजे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरगोधा बोर्ड है तो उसके 60% जो पेपर है वो दूसरे बोर्ड्स को भेजे जाएंगे, फैसलाबाद को, मुल्तान को, डीजी खान को, लाहौर को, पिंडी को, गुजरावाला को। इसी तरह जो गुजरावाला बोर्ड के 60% पेपर हैं वो इन बोर्ड्स को भेजे जाएंगे। तो ये बात आप नोट कर लें कि सारे पेपर बोर्ड के उस बोर्ड में चेक नहीं होते हैं। 40% मुतलका बोर्ड के सेंटरों पर पेपर चेक होते हैं और 60% जो दूसरे बोर्ड्स हैं वहाँ भेजे जाते हैं, और फिर वहाँ जो सेंटरों पर पेपर तकसीम कर दिए जाते हैं वहाँ चेक होते हैं। जिस तरह अब हमारे पास फैसलाबाद बोर्ड है तो हमारे पास मुल्तान के पेपर भी आ रहे हैं, साहिवाल के आ रहे हैं, पिंडी के, लाहौर के, डीजी खान के, सरगोधा के, इन सारे बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं। तो ये बात है, ये सवाल आप तवज्जो से सुन लें कि पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अपने बोर्ड्स के जो पेपर हैं वो 60% पेपर दूसरे बोर्ड्स को चेकिंग के लिए भेजे जाते हैं और 40% जो पेपर हैं वो मुतलका बोर्ड के अंदर ही चेक होते हैं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि ये इधर से पेपर उधर कैसे चले गए, तो ये पंजाब बोर्ड्स का रूल है कि जो 60% पेपर हैं वो दूसरे बोर्ड्स को भेजे जाएंगे और 40% जो पेपर हैं वो मुतलका बोर्ड्स के अंदर ही चेक होंगे।